टीकमगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह के परिजनों और समर्थकों ने टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी के भाई यशराज गोलू गिरी पर प्राणघातक हमला कर दिया। विधायक के भाई को गंभीर चोटें आई है, जिसका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। मामला पुरानी टेहरी वार्ड नंबर 1 के मतदान केंद्र का है, जहां यशराज गोलू गिरी को भाजपा प्रत्याशी का एजेंट बनाया गया था, जहां पर मतदान केंद्र के बाहर खड़े थे। इसी दौरान पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह के पुत्र और भतीजे के साथ आए समर्थकों ने गोलू के ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया। इस घटनाक्रम के बाद शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूत्रों के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि मौके पर पहुंचे विधायक राकेश गिरी के साथ भी छीना झपटी और बदसलूकी की गई है। टीकमगढ़ जिले से मनोज खरे की रिपोर्ट। नमस्कार, नगर के प्रिय मतदाता भाई और बहनों, नगर पालिका परिषद का चुनाव चल रहा है। वार्ड नंबर 1 से श्रीमती नेहा गिरी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं और नेहा गिरी के पोलिंग के एजेंट यशराज गिरी गोलू हैं, जो पोलिंग पर थे। सुबह लगभग 9 बजे 10 बजे के लगभग यादवेंद्र सिंह बुंदेला, शाश्वत सिंह बुंदेला, अंशराजा बुंदेला और उनके परिवार के लोग पहुंचे और यशराज गिरी से विवाद करने लगे कि आप यहाँ कैसे हैं। यशराज गिरी ने कहा कि मैं यहाँ एजेंट हूँ, मेरी भाभी चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। तो उन्होंने हमारे भाई के साथ, यशराज गिरी के साथ, यादवेंद्र सिंह सहित उनके दोनों बेटों ने, परिवारजनों ने मारपीट कर दी, उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया। इसके बाद जैसे ही मुझे सूचना मिली, लोगों का फोन आया कि आपके भाई पे यादवेंद्र सिंह के परिवार द्वारा हमला कर दिया गया। मैं और मेरी पत्नी जैसे ही पहुंचे तो वहाँ मैंने देखा कि लड़ रहे हैं, तो मैंने दोनों को अलग करने की, जो हमारे समर्थक हैं उनके साथ भी हाथापाई कर रहे थे, तो मैंने उनको अलग करने की कोशिश की, अलग अलग किया, पुलिस को भी सूचना दी। जितने में पुलिस पहुंची, इसके बीच में यादवेंद्र सिंह और उनके परिजनों ने मेरे भाई पे हमला किया और मेरे ऊपर भी हमला कर दिया। यह लोकतंत्र का महापर्व है और इस पर्व को बाधित करने का काम यादवेंद्र सिंह द्वारा किया गया है। वो नगर टीकमगढ़ की हार से बौखलाए हुए हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना गिरी परिवार से हम लड़ाई लड़ें और इनको विचलित करें। इसलिए आज उनके द्वारा हमारे जो भाई इलेक्शन के एजेंट हैं, पुरानी टेरी वार्ड नंबर 1 में जाकर उन्होंने हमारे भाई पर हमला किया, हमारे परिजनों पर हमला किया, धारदार हथियार से हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और उनकी, इसकी हमने पुलिस में रिपोर्ट भी की है। क्योंकि अब इनके हाथ में सत्ता नहीं रही है, इसलिए इनके द्वारा आज यशराज गिरी गुरु पे हमला किया। यह हमला गिरी परिवार पे नहीं है, यह नगर की जो जनता जो हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती है उसके ऊपर हमला है। मेरा जनता जनार्दन से अपील है कि जो गिरी परिवार पे यादवेंद्र सिंह के परिवार द्वारा हमला किया गया है, इसमें आप सब मेरा सहयोग करें। मैं आपके सहयोग का आकांक्षी हूँ, क्योंकि मैं ना बाहुबली हूँ, ना मैं गुंडा हूँ, ना मैं अपराधी हूँ, ना मेरे परिवार के लोग अपराधी हैं, ना मैं अपराध को संरक्षण देता हूँ। लेकिन आज जो घटना मेरे साथ घटी है, वो ऐसी घटनाएं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ घट रही हैं, जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, और चुनाव के दरमियान ऐसी घटना करना ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने मत के माध्यम से इसका निर्णय जरूर दें। आपका सेवक राकेश गिरी। वहाँ पर वार्ड नंबर 1 में जो मतदान हुआ, देखिए हमारे जो वार्ड के प्रत्याशी के कुशवाहा, जब वो अंदर थी तो उसको धक्के देकर बाहर निकाल दिया। उनके लोगों ने शिकायत करी कि साहब प्रत्याशी को अंदर नहीं जाने दे रहे, और दूसरी तरफ जो है समर्थन उसे जब अंश वहाँ पे ऐसे निरीक्षण करके पहुंचे तो अंश ने जब इंदराज किया तो अंश को ही मानने के लिए पड़े। जब अंश को मानने के लिए पड़े उसके बाद कौन शुरू हुए तो सब लोग खड़े हुए। तब तक ये लोग जो है, ये लोग बाउंड्री के अंदर थे, वहाँ पर कोई विवाद हुआ, हाँ मुजवानी तो हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कि हम क्या कर लें, वहाँ पर हमारे प्रत्याशी कमजोर है, उसको दबाना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं। वहाँ पर उनके जो नरेश मान सिंह, नरेश मान सिंह को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है, और अभी आप देख रहे हो कि हमसे भी पुलिस कह रही है कि आपको भी थाने चलना पड़ेगा। मैंने दिग्विजय सिंह से बात करी, मैंने कमलनाथ से बात करी, और मैंने कहा कि मैं थाने जा रहा हूँ, उसके बाद जो स्थिति बनेगी उसके लिए पुलिस जुड़ना पड़ेगा। विधायक का आरोप है कि आपके लोगों द्वारा और आपके द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। एक भी यहाँ सिंह
बात कर रहे, हम तो उनके पास बात करने इसलिए गए थे कि वो क्या आप शांत करो अपने लोगों को, हम अपने शांत करें अपने लोगों को, हमसे बकवास करने लगे। इससे वो जो मानी बात नहीं, मारपीट तो किसी के बीच में नहीं हुई है, ना लड़कों के बीच में हुई है ना उनके बीच में हुई है। वो जो मानी जरूर बहस होती रही, उनके गालियाँ थी, अच्छी गालियाँ थी, हमारी पुलिस प्रशासन क्यों दबाव बना रहा है आपके ऊपर, क्या आप कहने चले? प्रशासन सत्ता के दबाव में है और सत्ता के दबाव में ये काम कर रहा है। वहाँ पे जो मेडिकल कर रहा है वो शांतनु दीक्षित कर रहा है। शांतनु दीक्षित राजेश गिरी के पीए का लड़का है, वो मेडिकल करेगा। इसके लिए प्रशासन कुछ नहीं करेगा, वो डॉक्टरों की टीम बना मेडिकल की, अगर उन्हें कराना हो। हमारे लोगों को जो चोटें लगी होंगी जो मेडिकल कर रहे हैं। आपकी तरफ से आवेदन हुआ है? नहीं, बिल्कुल। जब पुलिस सहयोग ही नहीं कर रही है तो हम क्यों करेंगे? पुलिस जो है उल्टी बातें कर रही है। पुलिस हमसे पूछे कि आपके दिल को चोट आई, हम रिपोर्ट करेंगे। वहाँ पे छावनी बना के वो बैठ रहे हैं, हम तो अपने घर पे बैठे। ऐसे में क्या उम्मीद है आपको, चुनाव की क्या स्थिति रहेगी? चुनाव तो हम जीतेंगे, और पहले अगर हम 18 वार्ड जीत रहे थे तो आप 22 वार्ड जीतेंगे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।